दी है वन ईयर से एक डेढ़ साल से मैं रेसिपी वीडियोस भी स्पेशल डालती हूँ और ब्लॉग चैनल तो मेरा है ही ब्लॉगिंग तो होती है और स्पेशल तो चलिए आज कुछ स्पेशल बना लेते हैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैं तो मैं लेकर आई हूँ चाइनीज डिश वेज मंचूरियन तो चलिए शुरू कर लेते हैं वेज मंचूरियन आपको फुल रेसिपी दिखाऊंगी शुरू से लेकर एंड तक आप वॉच करिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को शॉर्ट एंड लॉन्ग मिल जाए तो चलिए शुरू कर लेते हैं वेज मंचूरियन तो चलिए यहाँ पे ले लिया है मैंने पूरा सामान और देखिए सब्जियाँ सारी कट करके रख है ये चॉप कर लिया अदरक सॉरी लहसुन और लाल शिमला मिर्च हरी शिमला मिर्च प्याज और ढेर सारी हरी मिर्च एंड ये अदरक मैस कर लिया अच्छे से इसको चलिए और यहाँ पे लिया एक कप मैदा तो ये आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी में आप मंचूरियन बनाएं तो उसके अनुसार और ये है वाइट विनेगर तो ये लिया है एक चम्मच बड़े वाला भर के और ये एक चम्मच रेड चिली सॉस और एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस और इसके बाद ये है सोया सॉस एंड दो पैकेट मंगाए हैं मंचूरियन मसाला तो यही वाला मंगाइएगा आप लोग चिंग का एंड ये है कॉर्नफ्लोर और ये टमाटो कैचअप एंड ये सब्जियां मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई है कैबेज पत्ता गोभी और ये प्याज को बारीक कट कर लिया है चॉपर में तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बारीक कट कीजिएगा क्योंकि बॉल्स वरना फट जाती हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका मिक्सचर बना लेते हैं और यहाँ पे पत्ता गोभी प्याज अच्छे से बारीक काट लीजिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा कि सब्ज़ियाँ बारीक होनी चाहिए और मैदा मिक्स कर देंगे इसमें एंड मिक्स कर देंगे इसमें कॉर्नफ्लोर एक चम्मच भर के पूरी बड़ी वाली भर के और ये काली मिर्च पाउडर डाल दें काली मिर्च पाउडर मैंने आप लोगों को अभी नहीं दिखाया तो काली मिर्च पाउडर आप जितना भी थी खाते हो उसके अनुसार डाल सकते हो नमक डाल देंगे इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे इस टाइम पे सिर्फ यही चीज़ें इसमें डलेंगी तो चलिए मिक्सर को अच्छे से मल मल के इसको गूथ लेते हैं और सारी चीज़ों को मिक्स और ये ऊपर से मैंने डाली है थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है तो ये डाली है ग्रीन वाली तो चलिए इस मिक्सचर को अच्छे से कर लेते हैं और बना लेते हैं इसकी बॉल्स और देखिए आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बॉल्स बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने क्योंकि फ्राई करते टाइम बॉल्स अगर बड़ी बन जाती हैं तो अंदर तक वो फ्राई नहीं हो पाती हैं और भुन नहीं पाती हैं अच्छे से तो कच्ची रह जाती हैं इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा छोटी नहीं तो ज़्यादा बड़ी नहीं बीच की मीडियम साइज़ की बॉल्स हमें बनानी है इस तरीके से जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं मैं बना रही हूँ तो बस मीडियम साइज़ की बॉल्स देखिए बन के रेडी हो गई हैं और तेल गरम कर लिया था मैंने हाई फ्लेम पे तो ये है सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी जो भी आप घर में यूज़ करते हों तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे ये तेल गरम किया है बट इस टाइम पे मीडियम फ्लेम मैंने कर ली है कम कर ली है गैस क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर इनको फ्राई करेंगे तो अंदर तक अच्छे से ये बुन नहीं पाएंगी कच्चे रह जाएंगी बॉल्स तो देखिए यहाँ पर ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है आप देख सकते हैं ब्राउन है एकदम तो चलिए ये बन चुकी हैं बॉल्स हमारी रेडी हो गई हैं इनको निकाल लेते हैं तो देखिए इतनी बॉल्स बन गई हैं और बाकी का जो ऑयल है फालतू वो मैंने निकाल दिया और यहाँ पे ये कटा हुआ अदरक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक जो मैश किया हुआ था तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके भून लेंगे ब्राउन होने तक तो देखिए यहाँ पे ब्राउन हो गई हैं और यहाँ पे डाल देंगे सारी सब्जियाँ कटी हुई प्याज डाल देंगे एंड शिमला मिर्च डाल देंगे दोनों तरीके की एक साथ ही और इनको सोटे कर लेंगे अच्छे से तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें भूननी है ये सेवेंटी परसेंट कुक करनी है केवल क्योंकि जो बाकी थर्टी परसेंट जब ग्रेवी बनेगी और उबाल आएगा उस टाइम पे कुक हो जाएगी सब्ज़ी तो यहाँ पर ये यह पत्ता गोभी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है ऊपर से तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको भून लेते हैं अच्छे से और यहाँ पे डाल देंगे रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस और इसके बाद डाल देंगे सोया सॉस वाइट विनेगर तो सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा नमक डालेंगे सब्जी के अनुसार ही जितनी सब्जी है क्योंकि बॉल्स में हमने ऑलरेडी डाला हुआ है नमक तो बस सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर हाई फ्लेम है और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर देखिए मेरे से ना थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है क्योंकि आप लोग इसका ध्यान रखिए स्पून से डालिएगा और यहाँ पर डाल देंगे कैचअप टमेटो सॉस और मंचूरियन मसाला इसी टाइम पे मंचूरियन मसाला इसी टाइम पे डालना है क्योंकि अगर ग्रेवी में डालेंगे तो इसकी ना थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी गांठें रह जाती हैं तो फिर अच्छे से घुल नहीं पाती हैं तो इसी टाइम पे हम मंचूरियन मसाला इसमें सारे मसाले जो भी हम यूज़ करते हैं इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे चला देंगे देख सकते हैं आप किस तरीके का कलर आया है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का मंचूरियन हमारा बनेगा तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी मैंने ऐड कर दिया एक चम्मच भर के तो कॉर्नफ्लोर डालने का ये फ़ायदा है देखिए इसको ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनेगी तो वो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी रहेगी बढ़िया बनी रहेगी तो यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे खूब सारा और एक उबाल लगा देंगे इसमें तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हम बाहर से मंचूरियन खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में आप लोग खाते होंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट वही फ्लेवर बिल्कुल मंचूरियन में आया है तो आप देख सकते हैं वही कलर आ गया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लग रहा है मंचूरियन मसाला तो चलिए एक बॉल्स डालने के बाद एक उबाल और लगा लेते हैं और देखिए फाइनली रेडी हो गया है हमारा मंचूरियन तो चलिए सर्व कर देते हैं खिला देते हैं सबको बच्चों को तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को मेरी मेरी तरह से बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग इसको रोटी पराठा चावल और नूडल्स खासकर ये नूडल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप लोग इसको फ्राइड नूडल्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट रेसिपी के साथ मनोरमा सोरव ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मी एंड सी यू अगेन बाय बाय